नमस्कार साथियों, बिहार सिविल जज परीक्षा 9 अगस्त को प्रस्तावित है। देखते हैं, कोरोना वायरस की वजह से इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा और बहुत जल्दी इसका एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। इसी को ध्यान में रखते हुए लॉ पेपर के लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी गई है। शेड्यूल उसका मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देख लें। इसमें मैं लॉ के लिए और इसके साथ साथ जीएस पेपर के लिए टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए ऑर्गेनाइज की जा रही है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें लॉ वाले में टोटल 15 टेस्ट होंगे। एक बात मैं आप लोगों को बता दूँ, एक महीना आप लोगों के पास है लगभग। अगर डेट एक्सटेंड होती है तो फिर इसमें विदाउट एनी कॉस्ट हम लोग 5 टेस्ट और कराएंगे, यानी 20 टेस्ट हो जाएंगे। जीएस में आपके टोटल 20 टेस्ट रहेंगे। तो चलिए शेड्यूल देख लेते हैं टेस्ट सीरीज का, आप ज्वाइन कर सकते हैं और किस तरह से हम लोग कराएंगे ये पूरी जानकारी मैं आप लोगों को दे देता हूँ। फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं कि टेस्ट सीरीज में हम लोग आपके सारे सिलेबस कवर करेंगे और पहले कुछ टेस्ट हमने इंडिविजुअल रखे हैं, फिर ओवरऑल हम मॉक टेस्ट उसमें रखेंगे, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के 2 होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन लॉ और ट्रोट का 1 होगा, हिंदू लॉ का 1, मुस्लिम लॉ का 1 टेस्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का 1 होगा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का 1 होगा, ट्रस्ट इक्विटी और SRA और कमर्शियल लॉ का भी आपका 1 होगा, एविडेंस और प्रोसीजर लॉ का 2 होंगे और मॉक टेस्ट टोटल होंगे 5। ठीक है, तो टोटल इस तरह से आप लोगों के टेस्ट होंगे 15 टेस्ट होंगे, लेकिन जो टोटल हम कराएंगे वो 15 कराएंगे। अगर एग्ज़ाम डेट एक्सटेंड होती है तो वो टेस्ट हो जाएंगे आप लोगों के पूरे 20 टेस्ट। ठीक है, और को इसमें आपको लीडिंग केस की अलग से फाइल दे दी, PDF और नोट्स आपको दे दिए जाएंगे, जो हम एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो आप लोगों को गाइडेंस मिलेगा, प्रॉपर सॉल्यूशन मिलेगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में टेस्ट सीरीज होंगी। आप लोगों को ये बता दें, हिंदी मीडियम के लिए भी और इंग्लिश मीडियम के लिए भी दोनों में प्रॉपर आपके टेस्ट सीरीज होगी। और इसका शेड्यूल है, जो पहला टेस्ट है वो 28 जून को होगा, ठीक है, और टेस्ट दूसरा जो है 1 जुलाई को, तीसरा 3 जुलाई को। ये पूरा इस तरह से हमने शेड्यूल डाल चुके हैं और सारा टेस्ट आप लोगों को मिल जाएगा। और जो टेस्ट के लिए हमने ग्रुप है वो हमारा टेलीग्राम पर होगा, जो प्राइवेट ग्रुप होगा, इसके लिए ज्वाइन करने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके बाद हम इसमें मॉक टेस्ट पहला होगा 19 जुलाई को, 22 को, 25 को, 28 और 31 जुलाई को इसमें होंगे। ठीक है, अगर डेट चेंज होती है तो फिर इसमें कुछ तब्दीली या चेंजेस इसमें कर दिए जाएंगे। आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन होने का प्रोसेस आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर है 7500110314 पर व्हाट्सअप या कॉल करके आप क्वेरी ले सकते हैं। और इसकी फ़ीस मैं आप लोगों को बता दूँ, जो न्यू स्टूडेंट हैं, जो हमारे पेड ग्रुप के मेम्बर नहीं हैं कहीं से कहीं तक भी, तो उनके लिए 700 रुपीज़ है। ठीक है, और जो हमारे पेड ग्रुप के मेंबर हैं या किसी भी ग्रुप के मेंबर हैं टारगेट फॉर IQ के लिए, तो उनके लिए 600 फीस है। आप लोग इसे फटाफट ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट होने के बाद आपको ऑडियो लेक्चर के थ्रू उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, प्लस उसके PDF में आपको नोट्स भी, उसके PDF में आपको डिटेल भी दे दी जाएगी। साथ में जो PDF नोट्स होगा वो, सॉरी, जो टेस्ट होगा वो PDF फॉर्मेट में होगा, जिसमें एक एक टेस्ट में 100 आप लोगों के क्वेश्चन होंगे प्रत्येक टेस्ट में। ये आप लोगों को याद रखना, पर टेस्ट में 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, टाइमिंग आपका 1.5 घंटा रहेगा प्रत्येक टेस्ट का, ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो ये था बिहार सिविल जज के लिए टेस्ट सीरीज। APO का भी चल रहा है, आप APO के भी ज्वाइन कर सकते हैं, अगर जिसको किसी को APO के ज्वाइन करना है GS और लॉ का। इसके साथ साथ GS का टेस्ट सीरीज ऑलरेडी चल रही है, अगर किसी को नया बैच ज्वाइन करना है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी 30 जून से स्टार्ट हो रहा है सेकेंड GS टेस्ट सीरीज के लिए। और नए पेड ग्रुप स्टार्ट हो रहे हैं, कैश क्रॉस हमारे लॉ का अभी स्टार्ट हुआ है हाल ही में 15 जून से, तो आप लॉ का पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल क्रैश कोर्स चल रहा है बिहार सिविल जज के लिए। और GS का नया ग्रुप, 5th ग्रुप स्टार्ट हो रहा है, तो वो आप लोगों का स्टार्ट होगा 25 जून से, तो आप लोग उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी पूरी डिटेल आपको लेनी है तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप टाइप करें ज्वाइन बिहार सिविल जज, उसके बाद आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, या कॉल करके भी क्वेरी ले सकते हैं। ठीक है, कोई क्वेरी तो आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। थैंक यू सो मच।